बिरनी प्रखंड के बरहमसिया चौक में एसडीएम धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कई किराना दुकानों में की गई छापेमारी, सरसों तेल के सैंपल ले गए साथ। इस बाबत छापेमारी के दौरान दुकानदारों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। कई दुकानदारों ने अपना अपना दुकान बंद करके चलते बने। एसडीएम ने बरहमसिया स्थित नंद किशोर वर्मा की दुकान व सिमरा ढाब के सहदेव मोदी का किराना दुकान में एसडीएम ने छापेमारी कर सरसों तेल को जब्त किया। एसडीएम धीरेंद्र कुमार ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, किसी भी हालत में ग्रामीणों के सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद दुकानदारों को फूड सर्टिफिकेट और जीएसटी के साथ कागजात प्रस्तुत करना होगा। अगर दुकानदार सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो उन पर सरकारी प्रावधान के तहत 5 लाख तक का फाइन करने का प्रावधान सरकारी नियम के तहत दिया गया। खबर 365 न्यूज के लिए गिरिडीह बिरनी से गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी हम लोग बरहमसिया में बिरनी के क्षेत्र में और पूरे अनुमंडल क्षेत्र में घूम करके जो भी हमारे सरसों तेल है उसका सैंपल ले रहे हैं और सैंपल की जांच की जानी है। खाद्य सामग्रियां जो भी भेजी आती है उसकी भी जाँच होनी है ताकि मानव का स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। अगर इसमें गलत पाया जाएगा तो संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी और लोगों से अनुरोध होगा कि फूड लाइसेंस प्राप्त करके ही फूड को बेचे या तेल वगैरह जो भी खाद्य सामग्रियां हैं उसको बेचे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।